हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एट का धातु अधातु चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः धातुओं का रंग कैसा होता है? सामान्यतः धातुओं का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद या भूरा। सामान्य धातुओं का रंग सफ़ेद या भूरा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत केबलों में क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत के चालन के गुण के कारण एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत केबलों में किया जाता है। विद्युत के चालन के गुण के कारण एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत केबलों में किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जंग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, लोहे के वस्तुओं को आर्द्र वायु में रखने पर उनकी सतहों पर धीरे धीरे लाल भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है। यह लाल भूरा परत लोहे का ही जलियोजित ऑक्साइड होता है, जिसे जंग कहते हैं। फिर से, लोहे के वस्तुओं को आर्द्र वायु में रखने पर उनकी सतहों पर धीरे धीरे लाल भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है। यह लाल भूरा परत लोहे का ही जलियोजित ऑक्साइड होता है, जिसे जंग कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने की आवश्यक शर्त क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन अनिवार्य है। जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन अनिवार्य है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सोना नम वायु से भी अभिक्रिया नहीं करता, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह कम क्रियाशील होने और मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली उत्कृष्ट धातु है। क्योंकि यह कम क्रियाशील होने और मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली उत्कृष्ट धातु है। छठा नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अधिकांश धातुएं जल से भी क्या करके क्या बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। सातवां नंबर क्वेश्चन है, उन दो धातुओं के नाम लिखे जिन्हें हम चाकू से सरलता से काट सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम। आठवां नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के बर्तन में पानी उबालने पर एल्युमिनियम एवं पानी में अभिक्रिया क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पानी न्यूट्रल पदार्थ है, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, तीन धातुओं को सक्रियता क्रम में सजाएं। तो इसका हो जाएगा सोना, चांदी और पारा। दस नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कम सक्रिय धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट बिलियन में तांबे की पट्टर डालने से पट्टर पर लोहे की परत क्यों नहीं जमा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोहा तांबे से अधिक सक्रिय होता है। बारह नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव्य धातु का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत के सुचालक अधातु का नाम लिखना है। एक विद्युत के सुचालक अधातु का नाम लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चौदह नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव्य अधातु का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, दो धातुओं का नाम बताएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। दो अधातुओं के नाम बताएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना और प्लेटिनम। सोलह नंबर क्वेश्चन है, कोई दो उपधातुओं के नाम बताएं। तो उपधातु में हो जाएगा ब्राउन और सिलिकॉन। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसकी आघात वर्धनीयता उच्च कोटि की हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना और चांदी,
सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जो नम वायु में अपनी सतह पर हरे रंग का निक्षेप बनाती हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा